At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोलू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोलू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? सर मेरे 96.83% मार्क्स आए। 93.8। क्या बनना है आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मुझे इंजीनियर बनना है। और कोई चीज़ क्यों नहीं पसंद है? सर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से मुझे ज़्यादा लगाव है। भाई मान गए कि गांव की शिक्षा का भी एक अलग महत्व है। प्रदेश में 10वां स्थान एक बार पुनः प्राप्त किया है चांदनी मौर्या ने, और पीछे इन्हीं की बहन ने पिछली बार टॉप किया था। प्रदेश में कौन सी रैंक आई थी? 6th रैंक आई थी, जिसका इंटरव्यू आई इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था। नाम क्या था बिटिया का? चांदनी मौर्या। चांदनी मौर्य। आपका नाम क्या? नंदिनी मौर्य। माफ कीजिएगा, नंदिनी मौर्या ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, और पीछे आई इंडिया इनकी ही बहन जिन्होंने प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया था, उनका इंटरव्यू एक साल पहले लिया था, जो आप ठीक पीछे देख पा रहे हैं। पीछे बड़ी बहन और आगे छोटी बहन। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही गांजरी क्षेत्र से जब कोई विद्यार्थी लगन, मेहनत और परिश्रम के साथ कुछ कर गुजरता है तो लगता है कि वाकई में बात है। अब क्यों ना बधाई दी जाए पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल कॉलेज को। बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि गांजरी व्यवस्था में, गांजरी क्षेत्र में इतनी आधुनिक व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। मैं वहाँ की डिजिटल क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और पीछे आप आई इंडिया का भी चैनल देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितने परसेंट मार्क्स आए आपको? सर मेरे 96.83% मार्क्स आए। 93 पॉइंट। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ्स। मैथ्स लगती है। क्या बनना है आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है? जी सर। मतलब प्रदेश में जो फर्स्ट आई उसको भी इंजीनियर बनना है, प्रदेश में जो 10th आई उसको भी इंजीनियर बनना है। और कोई चीज़ क्यों नहीं पसंद है? सर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से मुझे ज़्यादा लगाव है। ज़्यादा लगाव है? जी सर। अच्छा, इंजीनियर बनने के बाद क्या कुछ कर गुजरने का सपना है? सर बिल्कुल, इंजीनियर बनेंगे तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और इसी ख्वाब से कि हम अपने देश की कुछ सेवा कर पाए, हम इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। हमारे ठीक पड़ोस में बैठे हैं, युवा हैं, और कम उम्र से ही मेहनत से, लगन से विद्यालय परिवार को आपने सींचने का काम किया है। आज आपके विद्यालय को यह गौरव प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष भी आपके विद्यालय ने कमाल और धमाल किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई इंडिया परिवार को और विशेषकर आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में अपना विद्यालय है, इस क्षेत्र से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं उनके पास कितने संसाधन हैं, उनके और हमारे छात्र छात्राओं के पास कितने संसाधन हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो घर के काम भी देखते हैं, चाहे वो छात्र हों चाहे छात्राएं हों। घर के काम के साथ साथ खेती में भी अपने माता पिता की पूरी मदद करते हैं, और घरेलू जानवर से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो भी देखते हैं, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे माहौल में जब हमारे विद्यार्थी यूपी मेरिट लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 में सेलेक्ट होते हैं, निश्चित रूप से इन उपलब्धियों से क्योंकि शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं जी, इनसे गर्व महसूस होता है और ये सभी अपने अपने मुकाम में सफल हों, अपना लक्ष्य प्राप्त करें, तो एक शिक्षक के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पिछली बार मैं आपके घर गया था, याद है जी सर। आपकी टॉपर दीदी बहुत काम करती हैं जी सर। तो आप क्या क्या काम करती हैं घर पे? बिल्कुल सर, वैसे तो हम अपनी मम्मी के कामों में हमेशा मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने जब से हम हाई स्कूल में आए हैं उन्होंने हमें कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो चाहती थी हम अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। पढ़ाई पर करें। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? मैथ्स। मैथ लगती है। 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। 100 आउट ऑफ 100। बधाई हो। आप लोग वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो लोग भी तालियां बजा सकते हो, उसमें कोई कुरेज नहीं है, कोई टैक्स नहीं पड़ता। तो 100 आउट ऑफ 100 आपके मैथ्स में आए। मैथ्स के अलावा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? साइंस और इंग्लिश। साइंस और इंग्लिश पसंद है। तो ये बात बताइए कि जब सुबह आप उठती हैं, उठने के बाद आपको विद्यालय आना होता है, गांव में घर में आपने जानवर भी पाल रखे हैं, देख रेख के साथ काम धाम के साथ कैसे पढ़ाई को बैलेंस करती हैं? सर जिन्हें पढ़ना होता है उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होती है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं कोई भी काम उनको रोक नहीं सकता है, इसीलिए इन कामों के होते हुए भी हम अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह। ये बात मतलब कि जिन्हें पढ़ना है वो मजबूरी का हवाला नहीं देते, उनके सामने कोई मजबूरी होती नहीं है, जिन्हें कुछ करना होता है वो कर गुजरते हैं। सही कहा। तो आगे मतलब घर है, बिटिया हो, तो कोई रोक टोक नहीं होती घर परिवार में? बिल्कुल नहीं सर, हमें हमारी फैमिली की तरफ से पूरी तरफ से सपोर्ट रहता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे किसान हैं। किसान हैं जी सर। अच्छा, तो घर का खर्चा किसानी खेती से ही जी सर चलता है। बाकी और क्या पसंद है? सर हमें पढ़ाई के अलावा खेलना पसंद है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है आज के लाइफ में। माइंड बॉडी और सोल का बैलेंस ही एक व्यक्ति को व्यक्तित्व की ओर ले जाता है, तो नो डाउट खेलना भी बहुत ज़रूरी है। कभी आपने सोचा था कि महमूदाबाद से इतनी दूर इस ग्रामीण आंचल में शिक्षा पद्धति को आप आगे ले जा पाएंगे? एग्ज़ाम के पहले तमाम चिंताएं, तमाम भय, तमाम उत्सुकताएं रहती हैं कि क्या इस बार बच्चे टॉप करेंगे, नहीं करेंगे, तो कैसे इस चीज़ को कर पाए और क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है जो यहाँ के बच्चे पिछली बार भी टॉप करते हैं और इस बार भी टॉप किए? इसके बारे में तो एक बहुत रोचक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले की बात है। आदरणीय प्रबंधक सर के द्वारा एक सुझाव आया और उनका ये निर्देश था कि बच्चों को चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन बच्चों को जिस हिसाब से शहरों के बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश की मेरिट में आते हैं, उस तरह से हमारे कॉलेज के भी बच्चे आने चाहिए। चूँकि प्रेरणा जब तक नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति को काम करने का जो उसका जज्बा है वो एक अलग ही जज्बा रहता है जब उनको प्रेरणा किसी से मिलती है। मैनेजर सर से वो प्रेरणा मुझे समय समय पर मिलती रहती है। उसी सत्र में अपने सभी विद्यार्थियों से एक पुरस्कार की मोटिवेट करने के साथ साथ एक पुरस्कार की घोषणा विद्यालय की तरफ से की गई और उसमें नगद 51,000 रुपये, नगद 25,000 रुपये, इस तरह के बड़े पुरस्कारों की राशि, चूँकि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, हम लोग 400, 500, 600 रुपये की फीस बच्चों से, जो सीनियर बच्चे हैं उनसे लेते हैं। खर्चे जो शहरों में हैं उससे कहीं पर हम लोगों के कम नहीं और ज़्यादा ही हैं, लेकिन चूँकि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो पुरस्कार देने का जो एक लक्ष्य था कि बच्चे हमारे और प्रेरित हों, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो पुरस्कार भी उसी के अनुसार बड़ा ही रखना चाहिए जी। 2 साल के बाद तीसरे साल बताते हुए गर्व हो रहा है कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने हमसे वो धनराशि लेने का कार्य किया और मुझे और उस समय आदरणीय विधायिका जो आशा मौर्या जी और चिवता विधायक आदरणीय ज्ञान तिवाई चाचा जी के और आदरणीय प्रबंधक सर के कार्यक्रमों से बच्चों को पुरस्कृत किया गया और वो जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया। तो जब हम किसी चीज़ को एक लक्ष्य के तौर पर लेते हैं गुरुजनों की बड़ी अहम भूमिका इन सारी चीज़ों में रहती है। क्योंकि हम लोग तो एक माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं, सुपरविजन का करने का काम करते हैं, बीच बीच में क्लास में जाकर देखने का काम करते हैं और बच्चों को जो गढ़ने का काम करते हैं, जिनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अपना विद्यालय 2013 से संचालित है। 2013 से स्थापना वर्ष से जो हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े थे इस शिक्षण और इस ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए, वो अभी तक विद्यालय परिवार के साथ हैं। तो निश्चित रूप से कर्मठ शिक्षकों को और कॉलेज के फाउंडर, कॉलेज के प्रबंधक और जो सौभाग्य से मेरे पिताजी भी हैं श्री चंद्रशु शुक्ल जी को, उनको इस उपलब्धि का, इस सफलता का हम श्रेय देना चाहेंगे। और आप सभी का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। आप सभी की जो समय समय पर जो हमको सहयोग मिलता है उससे भी मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी को भी इसका श्रेय विद्यालय परिवार की तरफ से। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पड़ोस में प्रधानाचार्य बैठे हैं विद्यालय के, जिनके विचार आपने सुने। टॉपर बिटिया बैठी हैं जिनके विचार आपसे सुने। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ छात्राएं या छात्र जीवन में प्रलोभन में पड़ जाते हैं, वो दिमाग में डिस्टर्बेंस उनके आ जाता है, इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। क्या इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ अभ्यास करना होता है? अपने दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें लानी होती हैं कि आदमी या छात्र छात्राएं उन चीज़ों से डाइवर्ट हो सके? और अगर ये चीज़ें छात्र जीवन में शुमार हो जाती हैं तो किस हद तक नुकसान कर सकती हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आजकल का लाइफ स्टाइल है, बच्चे डाइवर्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो उनका कर्ज हमें चुकाना होता है। और उनका कर्ज चुकाने के लिए हमें पढ़ाई करनी सबसे पहले ज़रूरी है। तो हर बच्चे को ये अपने ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी फैमिली के लिए कम से कम वो पढ़ाई करें, इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो टाइम होता है यही हमारा होता है फ्यूचर बनाने का टाइम। अगर हम इस टाइम पे मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइम पे डाइवर्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप के बारे में सोचें और पढ़ाई को ध्यान दें। तो ये थी एक ऐसी होनहार बिटिया जिसने एक ग्रामीण आंचल में शिक्षा के दम पे प्रदेश स्तर तक अपना स्थान प्राप्त किया है। अभी बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े चर्चित चेहरों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो बिटिया। और आप सभी को इन चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आई इंडिया लगातार शिक्षा में जागरूकता की ओर आप सभी को खींचने का, ले जाने का काम करता रहा है। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।